हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। हो चुके हैं नए दिन की शुरुआत और आज का है कैंप का सिलेक्शन का दूसरा दिन। और मैं आज दिखा देता हूँ कितने लड़के आए हैं। अभी सिर्फ इतने ही आए हैं और कुछ वहाँ पे मेडिकल दे रहे हैं, आप देख सकते हो। और अभी टाइम काफ़ी हो रहा है, 10 बज चुके हैं। हम देखते हैं कितने लड़के आना बाकी हैं। बस आप वीडियो में पूरी बने रहो, मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा ए टू जेड। जितने भी लड़के आएंगे, जितनों का भी सिलेक्शन होगा, बस आपको पूरी वीडियो मिलती रहेगी, आप वीडियो में बने रहो। अभी हम बना रहे हैं दोस्तों नाश्ता। गोलू का काम होता है सब्जी बनाना और हम दोनों का काम होता है रोटी। आज गोलू ने बनाई स्पेशल भिंडी, तो मज़े लेते हैं खाने के, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो 11 बज चुके हैं और सभी लड़के यहाँ पे कैंप में आ चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कितने कितने आए, क्या क्या आए, मैं आपको ए टू जेड सब बताता हूँ, बस आप वीडियो में बने रहो। ये देख सकते हो गाइस, इतने लड़के आ चुके हैं, इनका सिलेक्शन हो रहा है। इसमें कोई बाहर हो रहा है, कोई अंदर हो रहा है, आपको बस पूरी वीडियो दिखाऊंगा, पूरी वीडियो में बने रहो। हमारे भाई लोग पहुँच चुके हैं, अभी हो रहा है इनका पहले हाइट मेज़रमेंट होगा, उसके बाद अंदर जाएंगे तो चेस्ट मेज़रमेंट होगा और उसके बाद ही इनका मेडिकल होगा। तो मैं अभी आपको ऊपर से दिखाता हूँ वीडियो की हाइट कैसे नापी जा रही है। अभी यहाँ पे हाइट चेक की जा रही है और 163 प्लस चाहिए हाइट। जो हाइट में अंदर हो रहा है तो उसकी चेस्ट नापी जा रही है, लेकिन इंस्ट्रक्टर दो हैं, दोनों में से एक सर हैं। सर अभी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, उसके बाद ही इनको अंदर बिठाया जाएगा और उसके बाद इनकी चेस्ट नापी जाएगी। दोस्तों सेलेक्ट होके, सेलेक्ट होने के बाद लड़के यहाँ पे बैठे हुए हैं, काफ़ी अभी बैठ रहे हैं, आप देख सकते हो। अल्ट्रा वाइड में दिखा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा लड़के हैं। तब से 2 घंटे हो चुके हैं, लगभग 100 लड़के आए थे, उसमें से 50 लड़कों का सिलेक्शन हो चुका है, 50 से ज़्यादा का ही हुआ है। और कुछ यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका अभी होगा, अभी अंदर सिलेक्शन चल रहा है तो वो लोग वहाँ जाएंगे, उसके बाद उनका होगा। ये कुछ भाई हमारे चेस्ट में बाहर होके घर जा रहे हैं, पर कोई नहीं, आप घर में रह के भी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक सीमित क्षमता होती है लड़कों के रखने की। कैंप में आना है जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए बता दूं, अगर कैंप में आने से पहले आपको क्या क्या लाने हैं। सबसे पहले तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन कार्ड लाना है, वो आपका पुलिस चौकी में जाके बनेगा या ऑनलाइन बनेगा। मैं पीछे से आपको दिखा देता हूँ, अभी लड़के थोड़ा रेस्ट पे हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, उसके बाद आपको लाना है एक थाली, एक कटोरा, और सेविंग के लिए अपने पास सारा रेजर उजर ला के रखें, क्योंकि आपको अगर यहाँ आना है तो उस हिसाब से रहना पड़ेगा अनुशासन में, मतलब विदाउट सेविंग जैसे आर्मी में रहते हैं वैसे रहना पड़ेगा दोस्तों। तो बस आप वीडियो में बने रहो, अभी बहुत कुछ दिखाना है। ये भाई लोग हमारे कर्तव्य दिखाते हुए अभी मेरे साथ हैं, पुराने धावक जो 2018-19 के थे, उस टाइम हो नहीं पाए ये, लेकिन अब होना चाहिए। उस टाइम हो नहीं पाई, ये मेडिकल में बाहर होते थे। हंस मत ब्रो, तेरी तारीफ ही कर रहा हूँ। और पर अभी ये फिर से सिलेक्शन कैंप देने आ रखे हैं, इनके फेवरेट उस्ताद यहाँ पे आ चुके हैं, और क्या ये सिलेक्ट हो पाते हैं या नहीं ये तो वक्त बताएगा दोस्तों। सिलेक्शन हो गया भाई, हो गया सिलेक्शन, हो गया भाई, बस इन्होंने एक फोन किया सिलेक्शन हो गया। सच में फिजिकल, ओ भाई बधाई हो, बधाई हो भाई, शाहरुख खान जैसे लग रहा है तुम। ठीक है भाई, लोगों को थोड़ा रेस्ट मिला है बाथरूम वाथरूम जाने के लिए, उनका अभी मेडिकल चल रहा है, तो देखते हैं अब कितनी देर बाद फिर बुलाते हैं इनको। जो भी होगा अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। तो जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि साइड चल नहीं रही है, पता लगे कि आखिरी तक साइड ना चले। और यहाँ वही लड़के आ रहे हैं बहुत सारे, जिनको पता नहीं था कि रजिस्ट्रेशन भी होना है पहले, और सबको बाद में बहुत दिक्कत पड़ रही है दोस्तों, तो इसलिए आप रजिस्ट्रेशन कर लो टाइम पे। मेरे साथ है अंकित भाई जो पुराने कैंप में थे, ये बंदर पकड़ने में बहुत माहिर हैं दोस्तों, 2 बंदर पकड़ चुके हैं और दोनों भाग चुके हैं। दोस्तों अभी मेरे साथ हैं कैंप के सर, जो ये कैंप में बच्चों को पढ़ाते हैं, आने वाले रिटर्न की तैयारी कराते हैं, और इस बार 1 महीने के लिए कैंप खुल रहे हैं, तो 1 महीने में भी ये रिटर्न दे देंगे। और सर का चैनल का नाम है पहाड़ी बर्नर नाम से, और सर का नाम है देवेंद्र सर। और ये जितनी भी कैंप की अंदर की वीडियो है ये आपको दिखाते रहेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं सर के चैनल का लिंक दे दूंगा। और दोस्तों कैंप के बाहर की जितनी भी वीडियो है मैं दिखाता रहूँगा, बस आप ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों। और सर आप कुछ बोलना चाहोगे? बस यही बोलना चाहूँगा कि अमित नेगी ब्लॉग्स को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मुझे भी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मतलब। तो गाइस एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ज़रूर चेक करना, और कैंप के अंदर की जितनी भी वीडियो हैं सब चेक ज़रूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों, बाय। तो अभी कैंप में हो रहा है या कैंप के अंदर हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सर बताना चाहते हैं, तो आपको ले चलता हूँ सर के पास। हेलो सर, कुछ बोलना चाहते हो आप? बस क्या बोलें, बस यही है कि जैसे पिछली बार तक भीड़ भड़ाका होता था, उस टाइप का भीड़ भड़ाका अभी देखने को नहीं मिल रहा है। जब से ये
टीओडी यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी के लिए सिलेक्शन कैंप चल रहा है। इसमें मतलब इतनी भीड़ नहीं है, कल तो मुश्किल से 39-40 के करीब आए हैं और आज जो है आज लगभग 100 के समथिंग हो चुके हैं और जिनका मेडिकल हो चुका है मतलब जी। तो अभी देखते हैं आगे, अभी मेडिकल चल ही रहा है तो देखते हैं कितने सिलेक्ट हो पाते हैं। और सर कैंप रेगुलर कब तक खुल जाएंगे, रेगुलर मतलब बच्चे आने? 17 तारीख से कैंप रेगुलर खुल जाएंगे और अभी भी अगर जिसको कैंप में आना है तो वो 15 तारीख तक मतलब उसके लिए आ सकता है, मेडिकल करवा सकता है। और सर कुछ लड़कों ने रूम ले रखा है तो वो बाहर से तैयारी करने आ सकते हैं? बिल्कुल, अगर जिन लड़कों ने रूम वगैरह ले रखा है तो वो बाहर से हमारे ग्रुप में मिल करके तैयारी कर सकते हैं, उनके साथ तैयारी कर सकते हैं। और बस शर्त ये रहेगी कि उनको उसी रूल और रेगुलेशन के हिसाब से रहना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट पहले ही बनाने होंगे ना इस बार की रजिस्ट्रेशन वाला सीन से? सारे पहले ही आपको रेडी कर देने होंगे, चाहे वो आपका डोमिसाइल हो, जाति प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सारे एफिडेविट, आपका जो 10वीं के मार्कशीट सर्टिफिकेट और इवन रजिस्ट्रेशन जो इंडियन आर्मी का रजिस्ट्रेशन है वो भी पहले किया हुआ होना चाहिए। तो धन्यवाद सर। तो दोस्तों जो मेन जानकारी थी वो आपको सर ने दे दी है और कुछ मैंने भी आपको बता दिया था कि रजिस्ट्रेशन पहले ही कर देना क्योंकि बाद में साइट चल भी नहीं रही है और काफ़ी टाइम तक ऐसा ही हो रहा है, पता लगे कि आप बात के चक्कर में रह जाओ और आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो। मैंने भी आज रजिस्ट्रेशन करवा दिया है दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए बाय। आप विश्वास नहीं करोगे कि पिछली बार 1700 आ रखे थे पहले ही दिन और दूसरे दिन 900 आ रखे थे क्योंकि दूसरे दिन एक सिंगल ब्लॉक का था उखीमठ का, और इस बार सिर्फ कल 50 आए, आज 100 आए और उनमें से 90 तो नहीं कह सकते 80% सेलेक्ट थे। तो दोस्तों आप देख सकते हो अग्निवीर आने से कितना फ़र्क पड़ा है लड़कों पे। ऊपर से हर कोई चाहता है कि वो पुलिस में हो जाए, उसका कोचिंग लगा रखी है इसलिए। और इस बार मतलब यार इतनी कम भीड़ देख के मतलब बाहर बंदा एक ग्राउंड में एक बंदे तक नहीं दिखा। कुछ क्लिप मैं आपको पुरानी भी दिखा देता हूँ पिछली बार कैसे थे, अगर मेरे पे पड़ी होंगी तो मैं दिखा दूंगा आपको वीडियो में। और इस बार का सीन तो आपको पता ही लग गया होगा, जब से ये अग्निवीर वाली भर्ती आई है मतलब कुछ भी बंदे नहीं आ रखे, मतलब कोई आना ही नहीं चाहता गाइस। जब कैंप पिछली बार लगा था तो दोस्तों आप देख सकते हो कितने ज़्यादा लोग आ रखे थे, उस टाइम आर्मी का क्रेज कुछ अलग ही था, दिसंबर में भर्ती आने वाली है ये सोच के सभी लोग कैंप में आए थे। अभी दिन के 2 बज चुके हैं और चेस्ट और हाइट मेजरमेंट हो चुका है और अभी सभी लड़के अंदर जा चुके हैं। सीन ऐसा है कि अब वो पता नहीं कब बाहर आते हैं, 1 घंटे में 2 घंटे में, वो जिस भी टाइम बाहर आएंगे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अगर वो नहीं भी आए तो हम लोग रनिंग चले जाएंगे। कल तक तो सीन ऐसा था कि हमारे साथ पौड़ी भाई हुआ करता था और दिल्ली वाला भाई हुआ करता था, और पौड़ी भाई भी और दिल्ली भाई भी दोनों श्रीनगर चौरास वाले कैंप में चले गए हैं। तो दोनों भाई के लिए आई मिस यू सो मच यार, मतलब काफ़ी दिन और काफ़ी 1-2 महीने आपके साथ गुजारे तो काफ़ी बुरा सा लग रहा है क्योंकि हम 4-5 लोग ही साथ में जाते थे विवेक यतेंद्र, अब वो लोग भी चले गए हैं दोस्तों। तो अब देखते हैं, आज से हम सोच रहे हैं फील्ड में जाएं, शाम की रनिंग भी फील्ड में करें और जैसा भी होता रहेगा जो भी होता रहेगा दोस्तों आपको अपडेट देते रहेंगे। और बस तब तक मिलते हैं गाइस बाय। आपको जितना दिखाना था मैंने दिखा दिया, कुछ ज़्यादा दिखाने लायक था नहीं तो अब क्या बता सकता हूँ, आपने देख लिया होगा पिछले 2 दिनों में क्या हाल हुआ। पता नहीं क्यों नहीं आना चाह रहे हैं लोग मेरी तरह, या मतलब पिछली बार जो कैंप में थे वो भी नहीं आना चाह रहे, मतलब उनमें से 150 में से सिर्फ 10 या 20 ऐसे होंगे जो आना चाह रहे होंगे, वो भी आज दिखे नहीं मैंने। अब देखते हैं, 15 तारीख तक है शायद सिलेक्शन, 15 तारीख तक कोई भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर का सीन वही है दोस्तों। लाइफ हो तो ऐसी हो, बंडी जैसी फुल मज़े ले रहे हैं। ये कभी भी दिल से नहीं काटता है, इसको बहुत परेशान करते हैं हम दोस्तों, बट ही लव्स। आज के लिए बस इतना ही, जितना दिखाना था मैंने दिखा दिया, अंदर जाने का मौका नहीं मिला, आगे मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत कम बोलता हूँ मैं बट सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, 3K करने हैं बहुत जल्दी दोस्तों।